हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ये एक एक्सटीरियर का प्रोडक्ट है, पॉलीपेप्रीन का बना हुआ ये प्रोडक्ट है। तो आज ये एक्सटीरियर की वॉल के लिए प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक्सटीरियर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, HPL आता है, तो उसी तरह से ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और लगने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से ये लगाया जाता है, किस क्वालिटी में है, कितने साल चलता है, क्या साइज में आता है। तो सभी चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहिए आज इस वीडियो में। आइए अब जानते हैं बिंदिया मेहरा जी से, जिनकी कंपनी है मजेस्को सॉल्यूशन। तो ये इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, काम कराती हैं, इनकी कंपनी जो है इस बारे में काम करती है। तो इनसे जानेंगे ये एक्सटीरियर का जो प्रोडक्ट है पीपी का बना हुआ, इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं बिंदिया मेहरा जी, ये कितने डिजाइन इसके आते हैं और कितनी वेरायटी आती है, क्या क्या कलर्स में ये आता है? सर, ये चार कलर में आते हैं। चार कलर्स में आता है ये, अलग अलग डिजाइन है आप देख सकते हैं। एक ये ब्रिक डिजाइन में इन्होंने मुझे को दिखाया, एक ये स्टोन डिजाइन में आता है, स्टोन डिजाइन में, और एक ये भी स्टोन डिजाइन में ही है, इस तरह का आता है, और एक ये कलर है। तो ये चार कलर अवेलेबल है। तो इन चारों का क्या क्या साइज होता है बिंदिया जी, क्या आप हमें बताएंगे क्या साइज में आते हैं, लंबाई चौड़ाई क्या होती है? इनकी जो साइज होता है सर 2 फुट बाय 4 फुट का होता है सर। अच्छा, 2 फुट इसकी हाइट होती है जी। जैसे ये पैनल है जैसे है जो 2 फुट इसकी इस तरह से विड्थ होती है, इस नहीं, तरह से 2 फुट हाइट होती है, 2 फुट हाइट होती है, 4 फुट विड्थ होती है। ओके, तो विद्या जी ये इस साइज में आते हैं, तो इनका स्क्वायर फिट एरिया एक पैनल में कितना होता है? ये पैनल साइज में एक जो इसमें होता है सर 5.275 स्क्वायर फीट 5.2 स्क्वायर फीट हाँ जी, 5.2 स्क्वायर फीट का एक ही पैनल आता है। हाँ जी, और जी एक प्लैंक के अंदर इतना स्क्वायर फीट होता है सर, एक पैनल के अंदर इतना स्क्वायर फीट एरिया होता है। ठीक है, और ये इसकी अब बात करें विद्या जी की लाइफ, ये कितने साल चल जाता है? 15 साल इसकी लाइफ रहती है। तो मतलब मैक्सिमम फेड होने की समस्या आती है 15 साल बाद? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती सर। वैसे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो पीपी है, पॉलीपेप्राइन, ना ये रंग फेड होगा ना ये पानी बरसात से खराब नहीं होगा सर। अच्छा, पानी बरसात से किसी चीज से खराब नहीं होगा। तो ये हिल स्टेशन पे कहाँ कहाँ इसे लगा सकते हैं? हिल स्टेशन सर जैसे आपको हम लोग मनाली भी जाते हैं, वहाँ पे हर्ट करके बनी होती है झोपड़ी, तो हम उसमें भी इसका यूज की जाती है। सर ये ऑल इंटीरियर में और एक्सटीरियर में यूजेबल है कि हर जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी एक्सटीरियर की वॉल पे अधिकतर लोग इसे यूज करते हैं। हाँ जी सर। ओके, बात करते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से लगाया जाता है, और अगर कोई पूरा कोठी है, कोई बंगलो है, उसको करना है तो करीब करीब कितना टाइम लग जाता है उसको करने में, कि हफ्ता भर, महीना भर, कितना टाइम लगता है? सर कोठी में तो सर एरिया के ऊपर डिपेंड होती है हर चीज। तो ठीक है सर, और ये पेच और गिट्टी से लगाया जाता है, बड़ा इजीली इसको लगाना। इसके नीचे खांचे होते हैं, इसके नीचे हम लोग इसको पेच और गिट्टी से, पहले ड्रिल से हम लोग उसको पहले गिट्टी लगाते हैं, फिर पेच लगाते हैं, उसके थ्रू ये लगाया जाता है सर। तो इन पेच और गिट्टी में जब इसमें पेच और गिट्टी लगाते हैं तो उसके बाद वो पेच और गिट्टी क्या दिखते हैं? नहीं दिखते, वो हाइड हो जाती है सर। तो हाइड हो जाए तो इसके ऊपर बीडिंग आती है, चौड़े तरह की बीडिंग आती है जो इसे कवर करती है, जो 2 फुट की होती है सर। 2 फिट की आती है, जिसकी लाइन 2 फिट होती है, तो पैनल बाय पैनल जुड़ती चली जाती है। और सर ये जैसे सपोज करो ये हमारा जो साइज है, ये हमारा लॉकिंग सिस्टम है सर, जैसे ये वाला प्लैंक है ना सर। अच्छा, ये लॉकिंग सिस्टम है, इसके अंदर इसको जाके सर ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, वेस्ट कम आती है, वेस्ट कम आती है सर। अच्छा, ये इस तरह से इसमें, हाँ जी सर, अच्छा ये इस तरह से ये लग गया लग जाता है जी सर। इस तरह से ये आपस में फंसता चला जाता है और पूरी वॉल पे लग जाएगा, और लॉन्ग टाइम के लिए सर जो घरों में गंद नहीं पड़ता, इसको एक प्रॉपर तरीके से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, डस्ट वगैरह कुछ नहीं, वॉशेबल है सर, पानी मारो अपने आप साफ हो जाएगा, पानी से अपने आप, बरसात में भी अपने आप साफ हो जाएगा जी। और बात करते हैं बिंदिया जी सबसे जरूरी बात कि ये क्या प्राइस में आता है, कि मार्केट में विद इंस्टॉलेशन जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आप लोग,
तो क्या प्राइस में आप कंप्लीट करके देते हैं इसको? सर हम इसको लगाकर देते हैं, क्या कहते हैं, 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट में ये सारी चीज इंक्लूड करते हैं उसमें, बीडिंग या सब एक्स्ट्रा होता है कुछ? हाँ जी सब उसमें सब होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन जो कार्टेज होती है सब एक्स्ट्रा होती है। कार्टेज एक्स्ट्रा होती है जी, जो हमारे वेयर हाउस साइड पर जो मटेरियल जाएगा वो उसकी कॉस्टिंग अलग से होती है। अब बात करते हैं है कि ये तो इसका प्राइस हो गया, तो टैक्सेस वगैरह कितना है इस पे, क्या टैक्स? 18% सर, 18% जीएसटी है इस पे। तो इंडिया जी, होप हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक आइडिया हो गया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप लोग कराना चाहते हैं इस तरह का एक्सटीरियर में, आप कुछ इमेज देख सकते हैं, इस तरह की इमेज है, तो ये जो इमेजेस हैं इस तरह से आप अपने जो है घर के बाहर के एरिया को पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। 15 से 20 साल इसकी लाइफ रहती है। और अगर आपको बिंदिया मेहरा जी का नंबर चाहिए, कंपनी का नंबर चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये काम करा सकते हैं। बाकी इस तरह की इंटीरियर के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, इंटीरियर की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।